आज हम सीखेंगे कि लूप यूज करके नंबर्स का एडिशन सी प्रोग्राम में किस तरह से किया जाता है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेप्ट 5 नंबर्स एंड डिस्प्ले एडिशन ऑफ देम। अब ये प्रोग्राम को सॉल्व करने के लिए हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए वो सीखते हैं। अगर हम सुपरमार्केट के डोर पे खड़े हैं तो हमारा टोटल परचेस अमाउंट है 0। अब हम सुपरमार्केट के अंदर गए और हमने 2 रुपए की एक चीज खरीद ली, तो अब हमारा टोटल परचेस हो गया 2, यानी जो 0 था उसमें हमने 2 ऐड किया, तो हमारा अभी टोटल परचेस है 2। अब आगे जाके हमने और एक चीज़ खरीदी जो है 8 रुपीज़ की, तो 2 में अगर 8 ऐड करेंगे तो टोटल परचेस हो गया 10। अब 3 रुपीज़ का कुछ लेते हैं, तो 10 में 3 ऐड करो हो गया 13। 13 में नई चीज़ का वैल्यू मतलब 1 ऐड किया हो गया 14। 14 में अगर 4 ऐड करेंगे मतलब अगर हमने कुछ और ख़रीद लिया जो 4 रुपीज़ का है, तो 14 में 4 ऐड किया हो गया 18। सो 5 प्रोडक्ट के लिए हमारा फाइनल वैल्यू जो है वो है 18। मतलब हमने यहाँ पे टोटल कैलकुलेट किया जो है 2+8+3+1+4, दैट इज 18। अब इसे प्रोग्राम में लिखेंगे, तो प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमें 3 वेरिएबल्स को यूज़ करना है। पहला वेरिएबल काउंटर के लिए जो है i, दूसरा वेरिएबल इनपुट का जो है n मतलब न्यू वैल्यू, और तीसरा वेरिएबल टोटल कैलकुलेशन के लिए जो है टोटल। अब क्योंकि हमें 5 प्रोडक्ट लेने हैं, हमने काउंटर 1 से स्टार्ट करना है और 5 पे एंड करना है, इसलिए अब लिखेंगे फॉर लूप, जहाँ पे आई 1 से स्टार्ट होगा और 5 पे एंड होगा, आगे जाएगा आई इसलिए प्लस प्लस। अब 5 बार हमें इनपुट लेना है, इसलिए फॉर लूप के अंदर लिखना होगा 2 स्टेटमेंट, प्रिंटएफ और स्कैनएफ। अब इनपुट लेने के बाद इस वैल्यू को हमें टोटल में ऐड करना है, तो फॉर लूप स्टार्ट होने के पहले मतलब हम पहला प्रोडक्ट परचेस करते हैं उसके पहले हमारा टोटल होगा 0। अब उसे ऐड करते हैं एन, एन का मतलब है न्यू वैल्यू। अब 5 वैल्यू ऐड करने के बाद मतलब फॉर लूप खत्म होने के बाद हमें टोटल डिस्प्ले करना है। गेट सी एच टू वेट ऑन द स्क्रीन। अब अगर इस क्वेश्चन को चेंज करते हैं, जैसे कि नंबर एक्सेप्ट करने के बदले हमारा क्वेश्चन होगा डिस्प्ले एडिशन ऑफ 1 to 10 नंबर्स, मतलब यहाँ पे हमारा एन हो जाता है काउंटर जो 10 तक जाएगा, और एन ऐड करने के बदले हमें ऐड करना होगा काउंटर।
अब यहाँ पे हमने जो प्रोग्राम किया है वो है 1 + 2 + 3 + 4 + 5 till 10। इसके बदले अगर हमें 10 का फैक्टोरियल डिस्प्ले करना है तो हम प्लस के जगह पे लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन। लेकिन क्योंकि यह वैल्यू टोटल में मल्टीप्लिकेशन को ऐड कर रहा है और टोटल का इनिशियल वैल्यू 0 है तो 0 ही रिजल्ट देगा, इसलिए हमें टोटल का इनिशियल वैल्यू लिखना होगा 1। और अगर 5 का फैक्टोरियल लिखना है, टेक्स्ट चेंज कर लेते हैं, अब अगर क्वेश्चन है कि एक्सेप्ट एनी नंबर एंड डिस्प्ले इट्स फैक्टोरियल, तो हमें नंबर इनपुट करना होगा। इनपुट के लिए 2 स्टेटमेंट, प्रिंटएफ और स्कैनएफ। इनपुट का वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। अब क्योंकि ये फैक्टोरियल n का है, मतलब जो इनपुट कर रहे हैं उसका है, हमें i < n लिखना होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।